पाकिस्तान के रिश्तों में जारी गर्माहट के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खुफिया एजेंसी के हवाले से ये पता चला है कि जैसे मोहम्मद के आतंकी एक बार फिर भारत पर बड़े हमले की फिराक में हैं। इसके लिए करीब 27 जिहादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के उसी बालाकोट में चल रही है जहां पिछले साल पुलवामा में भारतीय जवानों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें करीब 40 से अधिक CRPF के जवान शहीद हो गए थे। इसी के जवाब में भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक कर बालाकोट में आतंकवादी संगठन जैश की कमर तोड़ी थी। आतंकियों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था, मगर अब यहां आतंकियों का कैंप फिर से सक्रिय हो गया है। इस बालाकोट कैंप को आतंकी मौलाना मसूद अजहर का बेटा यूसुफ अजहर चला रहा है, जिसमें भारत के खिलाफ आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए 27 जिहादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। काउंटर टेरर ऑपरेटिव्स के मुताबिक ट्रेनिंग ले रहे इन 27 जिहादियों में से 8 POK के हैं। खुफिया विभाग ने ये भी जानकारी दी है कि इसी सप्ताह तक उनकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ये आतंकवादी भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले भी बालाकोट में आतंकियों के सक्रियता की खबर सामने आ चुकी है। बता दें कि जब पिछले साल भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर बमबारी की थी, जिसमें जैश के करीब 300 आतंकी मारे गए थे, तो पाक सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, जबकि भारत सरकार ने इसके सबूत भी पेश किए थे। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया और तभी से पाक लगातार भारत को युद्ध की धमकी देता रहा। हालांकि अगर पाक की ओर से ऐसी कोई भी हिमाकत सामने आती है तो भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। टीम खबर अपडेट।